हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा चैनल अभी नया नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आप ये ड्रामा दो ही एपिसोड रिमेनिंग है तो आप लोग मुझे कोई ड्रामा सजेस्ट करते रहो जो मुझे देखने में भी मज़ा आए और मैं आपको स्टोरी जब बताऊँगी तो आपको भी बहुत मज़ा आए। तो ये काम आप लोग ज़रूर कर लेना और हम अब चलते हैं एपिसोड को स्टार्टिंग में। उससे पहले लास्ट का थोड़ा सा रिकैप। जहाँ पर पिंक रूथ के साथ बातें कर रही थी, रूथ के साथ तो नहीं, अब उसे लगता है टाइक को, टाइक के साथ बात कर रही है। लेकिन अब सबको पता है ना टाइक का फ़ोन तो रूथ के पास है और रूथ को इस बात की वजह से बहुत बुरा लग रहा था और वो बोलता है कि अब मैं ये नहीं कर सकता, उसे ये झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा वो सोच रहा था। और सबको पता है रूथ पिंक से कितना प्यार करता है और वो उसे हर्ट करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने टाइक को सपोर्ट किया था। अब वो उसके बाद क्या हुआ था, एक अनजान सा शख्स आता है उन लोगों के गार्डन में, बस उनका पेड़ दिखा रहा था। इन दिन होता क्या है ना, पिन के कमरे में चला जाता है। पिन उसे देखने के बाद बहुत डर जाती है एंड सरप्राइज ये अनजान सा शख्स कोई और नहीं पिन था और बहुत डर जाते हैं पिन। और उसके बाद यहाँ पर वो बोला था कि बहुत लंबा वक्त हो गया ना, कैसी हो, एंड लेट्स गो थ्रू द फ्लैशबैक्स। जब टाइम ने उसे नीचे किया उसके बाद वो बेवकूफ़ों को त्यारा, देखो ये थी तो बेवकूफ़ी, वो चली गई थी और रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गई और वो था पिन का गाड़ी। तो उसे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और एक होटल में ले जाता है। और यहाँ पर पिन थोड़ी मतलब उस टाइम ऐसी थी, तो उसके बाद अब उसके साथ क्या क्या हुआ वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग गेस कर ही सकते हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि कैसी हो, और यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है तो वो बोलता है अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं उस रात के बारे में सबको बता दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर वो बहुत डरी हुई सी थी, रोज आ जाता है, रोज को आइडिया हो जाता है कि पिन जरूर कुछ प्रॉब्लम में है। वो यहाँ पर डोर को नॉक कर रहा था लेकिन पिन दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, रूम को तोड़ देता है। तब तक वो वहाँ से भाग गया था पिन। और यहाँ पर पिन कैसे आला देखने के बाद वो बहुत डर जाता है, क्या हुआ है क्या हुआ है बोला था। तो यहाँ पर वो बोलते कि दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्विल हो गई। और वो हाथ जोड़ के वो बहुत रो रही थी। यहाँ पर ना रुझ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है इसको, अब उसे थोड़ी पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इस तरह से पिन की हालत ना बहुत डिस्टर्बिंग थी, वो रो रही थी, कंटिन्यूसली रोए जा रही थी। और उसके बाद ना उसे कंसोल करने की ट्राई कर रहा था, मतलब ऐसी हालत में लड़की। लेकिन यहाँ पर ना क्या था ना, वो उसके फेस पे भी वही देख मतलब पिन को ही देख रही थी। और यहाँ पर एक कैंची थी और वो उसके पेट पे घुसा देती है। तो ये था लास्ट टाइम का रिकैप। एंड देन यहाँ पर रूज गिर गया जमीन पे, एंड देन पिन इतनी ज़्यादा डरी हुई सी थी। तभी बुआ जी आ गई तो सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे रूज को ले आया गया था। और यहाँ पर ना जो बुआ जी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने हेल्पर को बोलती कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के खून जो थे साफ करो और पिन को स्लीपिंग टैबलेट देके सुला देना, उसे वो जागनी नहीं चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें बाहर आए, अब उन्हें पता है ना अपने भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो ये सब था। उसके बाद वो अपने हेल्पर को घर पर भेज देती है। इधर हमें ना पिन को दिखाया जाता है, पिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई सी थी और यहाँ पर अभी घर पे कोई तो था नहीं, इसीलिए वो अपने एक बॉक्स से बहुत सारे पैसे निकालती है, इन्हें जिन कट होता है। इधर जो बुआ जी थी ना वो हॉस्पिटल पे थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। देखो इंसान ने थोड़ी गलत लेकिन दिल की बुरी नहीं ऐसा दिखाया है। तभी कॉल आता है उन्हें प्रियंका मतलब वो उनका एक हेल्पर जो टाइगर दोस्त, वो बोलता है कि पिन कहीं चली गई है एयरपोर्ट में, उसे छोड़ के आया हूँ। एंड देन लिखा जाता है इधर टाई और प्ला को, उससे पहले इनका थोड़ा सा बात करते, वो पूछ रही थी कि कहाँ चली गई पिन, तो वो उसे पता नहीं था। यहाँ पर वो बोल रही थी कि जल्दी से जाओ और उसे वापस लेके आओ, ऐसी सिचुएशन में उसे इस तरह से जाना सही नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। तो अब चलते हैं प्ला और टाई के सबसे बेस्ट मोमेंट पे। यहाँ पर ना टाई और प्ला थे, प्ला आ जाती है, बोलती कि तुम अब तक रेडी नहीं हुए, हमें बाहर निकलना है। तो यहाँ पर टाई की शक्ल थोड़ी उतरी हुई सी थी, वो बोलती कि क्या हुआ तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है, तबीयत ख़राब है क्या। और उसके बाद उसके पास जाती है और उसे ऐसे टेम्परेचर नापती है, मतलब ऐसे हाथ रखती है, तो वो तो ठीक था। और वो बोलती तुम तो बीमार नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है। और वो बोलती कि तुमने टाई भी प्रॉपर्ली नहीं पहना। और उसके बाद वो बोलता है कल रात कुंग मेरे कमरे में आई थी, तो वो बोलती कि हाँ। और वो बोल रहे थे कि तुम कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बोलते कि तो क्या, और यहाँ पर क्यों आई थी, वो पूछने के बाद बोलते कि ऑब्वियसली एक लड़के के कमरे में रात को एक लड़की क्यों आएगी। तभी वो बोलते कि हाँ ठीक है, तुम बोलते कि ठीक है बस,
वो तुम्हारे पति के साथ गलत करने आई थी, तुम्हारे पति को सीड्यूस करने आई थी ताकि उसके साथ सो सके और तुम्हें ओके हो। तो बोलते कि हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बोलते कि ब्ला कैसी लड़की हो, तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम जलती नहीं हो क्या, तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोई इस तरह से सीड्यूस करने की ट्राई कर रहा है और तुम को लो, ऐसा वो बोला था। तो यहाँ पर ना ब्ला बोलते कि आप बहुत हैंडसम हो, और फिर से वो उसे इग्नोर कर रही थी। तो इस टाइम पे उसे बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम्हें थोड़ी सी तो जलन रखनी चाहिए ना, तुम्हारे पति के साथ कोई कुछ करने की ट्राई कर रहा है और तुम बड़ी कूल बनती हुई हो। तो यहाँ पर वो बोलती कि मुझे पता है तुम मुझे मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे और इसीलिए मैं बहुत आराम से रह रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती कि क्या तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है, तुम्हारी बहन मेरे कमरे में आई थी। तो यहाँ पर वो बोलती कि कुछ हुआ तो नहीं ना। तो यहाँ पर बोल रहा था तुम कैसे जानते हो। तो वो बोलते हैं मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे पता है तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। और यहाँ पर ना वो ऐसे गुस्से में बैठा हुआ था और वो बोलते कि क्या बात है। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रहे, हमें एक ही घर पर रहना नहीं है, एक ही छत के नीचे। तो यहाँ पर वो बोलती कि तुम अंकल के टाइम पे भी ऐसे भूल गए थे ना, उसके बाद अंकल से गुस्सा होने के बाद वहाँ से छोड़ के चले गए थे, लेकिन क्या हुआ तुम जब अंकल की डेथ हो गई तब भी तुम ना गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा सैड थे अपने पापा के जाने से। तुम्हें इसी तरह से अपनी बहन के साथ नहीं कर सकती, कुछ भी बोलो उसने मुझे बड़ा किया है, वो अकेली मेरे लिए और मैं उसके लिए हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे यहीं पर रहना है, बस उसे जीतने की आदत है इसीलिए, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद उसे गले लगाता है, बोलता कि फिर भी तुम्हें थोड़ी सी तो जलन रखनी चाहिए ना, तुम्हारा पति के पति के पति को कोई और लड़की से डोरे डाल रही है, साहब बोल के उसे का बहुत करीब आता है। और वो बोलता है कि ऐसे तुम्हें याद है हमारी फर्स्ट नाइट के बारे में। तो वो बोलते कि नहीं, वो बोला था हाँ हो सकता है तुम कुछ ज़्यादा ही पी लिया था तो कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं मैं हेल्प कर दूँगा मेमोरी रिगेन करने के लिए, ऐसा बोल के उनका रोमांटिक सीन चल रहा था, बहुत क्योर सा था गाइजे वाला। लेकिन तभी किसी का फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद वो ना फ़ोन लेने लगती है उसे खेल के। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा था कि आज हम किसी का फ़ोन नहीं लेंगे, ऐसे तुम्हें नहीं लगता कि टाइम अकेले बोर हो रहा है, तो हमें ना अपना जो काम कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, बोल के उसे उसके अपने गले लगा रहा था। तो यहाँ पर वो बोलती कि देखो ऑलरेडी एक बच्चा बहुत ज़्यादा है, तुम्हें नहीं चाहती दूसरा, बोल के उसे टिक मारती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। सच्ची में ये वाला सीन बहुत प्यारा था। और उसके बाद को अपनी बहन अर्जी जाजी के कमरे में कान लगा के बैठी हुई थी, और यहाँ पर वो भागती है अपने कमरे में निकल जाती है। इन्हें यहाँ पर दिखाया जाता है वो उस हॉल पे जाने के बाद वो उसे ऐसे गला लगा रहा था और बोला था कि तुम्हें ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए अपने पति को परेशान करने के लिए। तभी यहाँ पर ना वो किसको देखती है अब बात करते हैं। यहाँ पर जब टाई इस तरह से टर्न मारता है तो ओ माय गॉड इट इज पेन। इन दोनों को इस तरह से देखने के बाद उसकी तो शक्ल उतरी हुई थी, मतलब इस सिचुएशन का आप क्या बोलेंगे मुझे कमेंट में बताओ। और यहाँ पर टाई बोलता है पिन, और उसके बाद यहाँ पर ना उन दोनों को देखे जा रही थी। और यहाँ पर ना हेल्पर बोलती कि इसने बोला कि ये आपकी वाइफ है इसीलिए मैं इसे रोक नहीं पाई सर। और उसके बाद यहाँ पर बीन को बोलता है कि तुम कब आई, तुम्हें यहाँ पर रोज़ लेके आए क्या, तुमने बताया कि उन्हें तुम आने वाली हो, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर पिन बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये औरत तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे सब कुछ समझाने दो, प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पर पिन ओके, उसे गुस्सा आना भी लाजमी था। यहाँ पर वो बोल रही थी कि तू मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। और जब यहाँ पर प्ला सामने आती है तो प्ला को एक स्लैप मारती है। उस मोमेंट पे कोंग आती है, बल्कि सोचता भी मत अगर मेरी बहन को हर्ट करूँगी तब जान से मार डालूंगी। एंड यहाँ पर ना पीन बोल रही थी कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया ना तुम दोनों ने मिलकर, तुमने और रोज ने मिलकर, अगर मैं तुम्हारे कॉन्डो पर नहीं आती तो मतलब उसका जो अपार्टमेंट मुझे पता नहीं चलता। और यहाँ पर जब पता चलता है कोंग को कि ये उसकी वाइफ थी जब उसकी मेमोरी लॉस हुआ था, तो वो इतना मजाक उड़ाती है कि ओ मतलब अब तुम्हारा ना डेट एक्सपायर हो चुका है, टाई सब कुछ याद कर चुका है, ऐसा वो बोल देती है। तो यहाँ पर टाई बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो यहाँ पर ना ये सुनने के बाद बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं टाई, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्लीज़ वापस आ जाते, ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़ो। यहाँ पर वो बोल रहा था कि देखो ऐसा नहीं है, अभी मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, तुम सबको एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ पर कोंग भी बड़े मजे ले रहे थे पिन की। और यहाँ पर टाई अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा था कि उसने कोई धोखा नहीं दिया था, उसका फ़ोन खो गया था। एक्चुअली यहाँ पर पता चलता है कि टाई का फ़ोन सच्ची में खो गया था और यहाँ पर बुआ जी को मिला था तो उन्होंने रूज को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। और यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें उसे पता चलता है, वो बहुत टूट जाती है। और यहाँ पर ना प्ला कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। यहाँ पर टाई बोलता है मैंने तुम्हारे पापा के जितने भी लोन थे फार्म को बचा लिया है और बहुत सारे पैसे पे कर दिया है, और ये सब बुआ जी को पता था। और ये सब बात वो इतना साइको हो जाती है ना, वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टाई ना बुआ जी को फ़ोन करता है, एंड देन बोलता है कि पिन को यहाँ पर कौन भेजा। तो यहाँ पर ये सुनने के बाद वो बहुत गुस्सा करती है। और यहाँ पर ना टाई बोलता है कि आपने बोला था पिन समझेगी,
और मैंने आपके बर्थ से उसे छोड़ा था और वो यहाँ तक आ पहुँची। और उसके बाद इसे इस मूवमेंट पर पता चलता है कि पिन ने तो रूज को कैची मार के भाग गई थी और ये सबसे प्लाट डिस्टर्ब हो गई थी। एंदेना में यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोंग फिर से आ गया अपने रंग पे। ओ सदैव को बोलते हैं कि पता है उसकी जब मेमोरी लॉस हुई थी ना तो उसकी वाइफ थी और वो आ गई तो पता है प्लाक कितनी परेशान थी, वो तो बेहोश होने वाली थी, ऑलमोस्ट बेचारी बहुत टूट चुकी है। यही सही मौका है, तुम्हें ना उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी चाहिए। तो यहाँ पर सदैव बोल रहा था कि सच होगा क्या, सही होगा क्या, तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल सही होगा, बस तुम्हें ये करना है कि मैं नहीं जाती, मेरी बहन ना मिस्ट्रेस बन के रहे तो तुम पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। और यहाँ पर ऐसा देखने से लग रहा है कि जो कोंग है वो अपने बहन को सदैव के साथ चेट करना चाहती है और अपने आपको फिर से टाइगर लाइफ में वापस पाना चाहती है। तो लेट्स सी क्या ये सक्सेस हो पाएगी या नहीं। एंड देन हमें यहाँ पर सदैव में बहुत कंफ्यूज लग रहा था जब उसे कोंग बोलती है कि तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगा, क्योंकि उसकी शक्ल से तो नहीं लग रहा था कि वो डिवोर्स देने में कुछ इंटरेस्टेड होने वाला था। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर ना डॉक्टर के पास भी इंदी हॉस्पिटल में। एंड देन यहाँ पर ना डॉक्टर के पास में शॉर्टकट में बताती हूँ तो डॉक्टर नहीं बताती पी उसके साथ क्या हुआ है एक्चुअल में। और यहाँ पर ना टाइप बोल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बस उसको कुछ सिंड्रोम था इसकी वजह से इतना वायलेंट होना, रूज को अटैक करना। तो यहाँ पर ना वो कुछ भी नहीं बोलती एंड यहाँ पर ना प्ला भी कुछ भी नहीं बताती। डॉक्टर तो ये बोल देती कि मैं अपनी पेशेंट के कंसेंट के बगैर मैं उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तो यहाँ पर टाई को अभी भी पता नहीं है एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है। और यहाँ पर वो बस ये बोल रही थी डॉक्टर के उसके लिए तुम सबसे मायने रखते हो तो प्लीज़ तुम उसके आसपास रहो। लेकिन यहाँ पर टाई बोलते कि नहीं ये सच में मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, उसके बाद मुझे लगा वो मेरी वाइफ है लेकिन असलियत में वो मेरी वाइफ नहीं है और मेरा बेटा है, बोल के प्लाक के तरफ दिखता है और मतलब बेटा और वाइफ और मैं इससे प्यार करता हूँ ऐसा वो बोल देता है। एंड देन यहाँ पर ना प्ला ये बोलने की ट्राई कर रही थी कि हमें पिंक की मदद करनी चाहिए। अब पिंक की मदद करनी चाहिए मतलब टाई को अच्छी तरह से बताया कि सोए में, तो वो बोलता है कि सोचना भी मत हमारे पास कोई और ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर प्ला बोल रही थी नहीं हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे बुरा लगता है पिंक के लिए ऐसा वो बोल रही थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो हमारी पिन थी ना वो हॉस्पिटल पे ओके वो जाग जाती है, जागने के बाद वो इधर उधर देखती है और वो वही सारी चीज़ें याद करके बहुत ज़्यादा डरने लगती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो उठती है, उठने के बाद नर्स को बोल रही थी कि मुझे मेरा फ़ोन मिलेगा। तो यहाँ पर ना नर्स बोलते नहीं नहीं मुझे बहुत सुनाएंगे, मुझे ना बहुत डांट पड़ने वाले नहीं दे सकते। यहाँ पर वो रोने लगती है, बोलती कि मुझे बस अपने पापा की याद आ रही है, मुझे अपने वहाँ से बात करनी थी, वैसा बोल देती है। और यहाँ पर डॉक्टर बस पिन को ना अच्छे से रखने के लिए, अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोल देती है क्योंकि उसकी कंडीशन इससे भी वर्स्ट हो सकती है। उसके बाद वाला सीन यहाँ पर टाई गुस्से में था क्योंकि प्ला ने बोला था कि पिन की मदद करनी है, पिन की मदद करनी है मतलब क्या है उसे अच्छी तरह से पता है। और वो बोल रहा था कि तुम ना अपने हस्बैंड के लिए कुछ प्रोटेक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम मुझे प्यार करती हो या फिर नहीं, ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एंड देन यहाँ पर ना उसके हेल्पर आके बोल रही थी कि क्या हुआ है टाई इतना गुस्से में क्यों है, तो वो बोलती कि कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ना इस मोमेंट पर वो बोल रही थी कि नहीं टाई पहले से तो बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है, पहले तो मुझे कभी कभी लगता था कि वो ना इस घर को सर पर उठाएगा जब उसके पापा थे, ऐसा वो बोल रही थी। इन दिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो टाइम ना वो भागते हुए आता है टाई के पास और टाई अभी बहुत सैड था। तो यहाँ पर वो पूछता कि क्या हुआ है और यहाँ पर ना वो बहुत सैड था और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैंने किसी को हर्ट किया, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि आप जाके उससे माफ़ी मांग लो। तो वो बोल रही थी अगर वो मुझे माफ़ ना करे तो तभी यहाँ पर वो बोलता है कि आप तब तक उनसे माफ़ी मांगो तब तक जब तक वो आपके माफ़ी नहीं कर देती, क्योंकि मम्मा मुझे हमेशा ऐसे ही कहती थी अगर आपको अच्छा बेटा बनना है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स को अपने पापा को नाराज़ ना करो, ऐसा वो बोल रहा था। ये सब सुनने के बाद टाई को अपनी याद आती है किस तरह से वो अपने पापा के साथ हमेशा लड़ता रहता था और उसके पापा की डेथ हो गई और जो वहाँ पर नहीं हो पाया इसी बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे रियलाइज होता है कि मुझे अपने पापा के पास हमेशा होना चाहिए था और जिस तरह से उस बर्ताव करता था ना पापा से वो गलत था। और वो रोने लगता है अपने बेटे को गले लगाते हुए। नेक्स्ट स्टेप ला अपने बेटे को लेके कहीं जा रही थी तभी टाई बीच में आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने टाइटन को ये बोला था कि वो इसे मिलने के लिए चले जा रही है लेकिन ये तो नहीं था। यहाँ पर टाई बोलता है कि वो अभी शहर से बाहर है तो आप लोग मिलने नहीं जा सकते। और यहाँ पर ना टाई बोलती कि नहीं वो अभी यहीं पर है मुझे जाने दो, बोल के वहाँ से जाने लगते टैन को लेकर। तो उसे रोक देता है और उसके बाद टैन को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर प्ला बोल रही थी कि ये सही वक्त नहीं है लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने आपको झूठ बोला और मेरा नाम ये नहीं, मतलब वो सारी चीज़ें बताता है बहुत सिंपल वे में। और वो बोलता है कि मैं आपका पापा हूँ, ये सब सुनने के बाद वो बोलता है कि लेकिन मेरे पापा की तो डेथ हो चुकी थी। तो वो बोलता है कि मेरी एक्सीडेंट हो गई थी तो
तुम्हारी मम्मा को लगा मैं मर चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरी मेमोरी चली गई और मुझे कुछ याद नहीं आया, और मैं जब वापस आया तो आप थे, ऐसा वो बोला था। तो यहाँ पर वो बहुत कन्फ्यूज तरह से देख रहा था। तो यहाँ पर ना लपला बोल रही थी कि तुम छोटे से बच्चे को कन्फ्यूज कर रही हो, बकवास मत करो। तभी यहाँ पर ना कोंग आ जाती है। कोंग आने के बाद, क्योंकि आपके पापा ने किसी और से शादी कर लिया था, इसी बात की वजह से आपसे मिलने नहीं आए, ऐसा वो बोल देती है। ये सब सुनने के बाद बेबी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। एंड देन यहाँ पर ना प्ला बोल रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं, उसकी बात मत सुनो, मैं बाद में आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर ना वो बहुत रोता है, पीछे जाता है। और यहाँ पर ना तभी वो फिर से पापा कह के टाई को गले लगाता है और वो बोलता है कि मैंने हमेशा आपको अपने पापा की तरह माना है और मैं बहुत खुश हूँ आप मेरे पापा हो, सच्ची में, ऐसा बोल के वो बहुत रोता है। एंड फाइनली हमारी बेबी ने अपने पापा को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब चाहता तो हमेशा टाई को एजेंट अपना पापा है, लेकिन अभी उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। और टैन प्ला दोनों ही बहुत खुश थे। उसके बाद टाई यहाँ पर प्ला को सुना रहा था, बोला था कि आज के बाद ऐसी कोई भी वाहियात सी हरकत मत करना, मैं इसे हूँगा नहीं। और यहाँ पर ना प्ला बोलती है कि मैं वही कर रही थी जो मुझे करना चाहिए, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ, इस सब सहना पड़ा, उसी को मैं ठिकन के ट्राई कर रही थी। यहाँ पर वो बोलती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे सच बताओ क्या है, क्या जानती हो तुम जो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर ना प्ला बोलती कि मैं ना नहीं चाहती अपने लाइफ को इस तरह से कॉम्प्लिकेट करना, और मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, मेरी वजह से किसी को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है, तो मैं उसी को सही कर रही थी। ऐसा बोलते घुमा रही थी। टाई थोड़ी उसे अब सब कुछ समझ में आने वाला था, तो वो पूछता है कि मुझे बताओ क्या है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें बता देती है। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो बोलता है कि किसने किया उसके साथ ये सब। लेकिन यहाँ पर अब उसे भी थोड़ी पता है, बस वो बोलती है कि मुझे बुआ जी ने बताया था। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इधर दिखा जाता है पिन को, पिन भी ना टाई के सारे मेमोरीज और तोड़ रही थी। और उसके बाद हमें फिर से इधर ही दिखाया जाता है, जहाँ पर ना वो बोलता है कि चलो किसी के साथ इतना कुछ हो गया उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, और मुझे पता भी नहीं था। अब उसके बाद प्ला को लेकर जाने लगता है, कहाँ पर वो पूछती है, तो वो बोलता है कि सच्चाई का सामना करने के लिए चलो, क्योंकि ये ज़रूरी है। उसके बाद हॉस्टल जाने के बाद पता चलता है ये लोग नहीं, यहाँ पर पिन तो नहीं है। उसके बाद पिन दिखाई देती है पेंग के साथ, सीरियसली गाइज। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेंग शायद उसे ब्लैकमेल कर रहा होगा, इसीलिए वो कुछ डायमंड और पैसे लेके उसे दे देती है और वो उससे हार्ड ड्राइव देता है। शायद उसने वही सारे चीज़ों की वीडियो बना के रखा हुआ होगा। एंड देन यहाँ पर ना वो उसके गाड़ी में आ जाती है, बोलती कि तुम्हें मैं हायर करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा। क्या काम करना होगा? एंड विद दैट इट, ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। तो अपकमिंग एपिसोड बस दो ही रह गए, लेकिन इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न, मेरा सर फट रहा है। आई डोंट नो क्या क्या देखने को मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में 60 से ज़्यादा कमेंट करके दिखाओ, ताकि मैं जान सकूँ आप लोग भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एपिसोड 15 और 16 को देखने के लिए। और मैंने 500 से ज़्यादा लाइक टारगेट रखा हुआ है, तो प्लीज़ जितना हो सके कमेंट कर दो। आई डोंट माइंड, कुछ भी लिख लो, बस कमेंट होना चाहिए, ताकि यूट्यूब मेरे वीडियो को रिकमेंड करता रहेगा और एंगेजमेंट बढ़ेगा मेरे वीडियो पे। तो फॉर द कमेंट सेक्शन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।